शुभ प्रभात। मेरा नाम अंशिका है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको संस्कृत का पार्ट 1 की संस्कृत से हिंदी अनुवाद समझाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पाठ सुभाषितानि। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुष्वाद्वत्य प्रभन्ति नद्य समुद्रमाशाग्य भवन्तप्य। अर्थात गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हुई समुद्र से मिलते ही ना पानी योग्य हो जाती हैं। साहित्य संडतकल विहीन साक्षत पशु पुच्छ विषनहीन त्रनहै न खदात्री जीवमान तदै भाग दिए परम पशुना। अर्थात साहित्य संगीत कला आदि रहित व्यक्ति अर्थात इनमें से कुछ भी कला नहीं जानते तो वे बिना पूछ और सींग पशु हैं। वे घास ने खाकर वे जीवित हैं। ये पशु के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। लुब्धस्य नश्यति यश पिश्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थम पिश्य धर्म विद्या फलम वशनीन कृपा निश्य योग्य राज्य प्रमत जीवश्य नराधिपिश्य। अर्थात लालची व्यक्ति का यश चुगलखोर की मित्रता अकरणीय व्यक्ति का वश धन के लोभी व्यक्ति का धर्म बुरी आदत वाले व्यक्ति की विद्या कंजूस का सुख और आलसी मित्रों वाली राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। रस्तु कुटक मधुर समान मधुरमेव जनिये मन धुमा शिकाशो संत तथेव समजन दुर्जना श्रुत्वा वचे मधुर शुक्तरस सृजंती। अर्थात ये मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती हैं। उस प्रकार सीत लोग सज्जन और दुर्जन की बातें समान रूप से सुनकर सदा मीठी वाणी का निर्माण करते हैं। अर्थात धन्यवाद।